हेलो बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल आइए क्वेश्चन को रीड करते हैं। द क्वेश्चन इज इफ मैट्रिक्स ए इक्वल टू एक 2x2 की मैट्रिक्स दे रखी है, 4 sin 30 cos 0 cos 0 4 sin 30 एंड बी एक मैट्रिक्स दे रखी है जो है 2x1 की 4 और 5। इफ AX इक्वल टू बी देन ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स X इज, यहाँ पर 4 ऑप्शन गिवन है, A B C एंड D, और हमें इनमें से करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। तो आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमें ए एक मैट्रिक्स दे रखी है, इसकी वैल्यूज लिख लेते हैं। 4 into sin 30, sin 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2। तो 4 into 1/2, cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1। यहां पर भी cos 0 की वैल्यू 1 और 4 sin 30 यानी कि 4 multiply by 1/2। तो ये हमें मैट्रिक्स मिल जाएगी। यहां पर इसको कट कर लेंगे तो 2 2 4 यानी यहाँ आ जाएगा 2 1 1 2। और ये जो मैट्रिक्स मिल रही है ये कैसी है, ऑर्डर इसका है 2x2 यानी कि इसमें 2 कॉलम है और 2 रो है। पहले लिखते हैं रो को जिसको m से डिनोट करते हैं, फिर कॉलम को जिसको n से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब देखिए आगे दे रखा है ax इक्वल टू b। a की अगर हम x में मल्टीप्लाई करें तो वो आता है b के इक्वल में, और b की वैल्यू दे रखी है 4 और 5। इसका ऑर्डर कितना है, इसमें रो है 2 और कॉलम है 1। अब देखिए a एक मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर है 2x2, और बी एक मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर है 2x1। और बी किसके इक्वल है, बी इक्वल है ए एक्स के। इसका मतलब ये जो ए एक्स होगा, ए एक्स का ऑर्डर भी कितना होगा, 2x1। और ये कब पॉसिबल है, क्योंकि ए 2x2 की मैट्रिक्स है और ए एक्स 2x1 की मैट्रिक्स है। तो ये तभी पॉसिबल होगा जब एक्स भी 2x1 का ऑर्डर हो। ठीक है, यानी कि एक्स का जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा, 2x1, जो कि हमें किस ऑप्शन में मिल रहा है, डी में। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू।